Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are studying chapter 2nd, fractions, that is fractions. Okay, this is exercise 2a. Okay, this is exercise 2a, third part of exercise 2a. Okay, there is question number 5. Find the sum. क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, सम का मतलब ऐड कर लेना है, फ्रैक्शंस का ऐड. देयर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 5 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9. ओके, 5 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9. अब इसका सॉल्यूशन हम टेक करेंगे. यहां पे देखते हैं बेटा कि 5 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9 बोथ आर सेम डिनोमिनेटर 9 9. ओके, if we have two or more than two fractions, they have same denominator, then we add or subtract the numerator, okay, and represent the same denominator in the answer. तो यहाँ पे देखते हैं 5/9 and 3/9 denominator same है, तो हमने same denominator को write कर लिया. बस हमको numerator को add करना, 5 + 3 add करना है, तो add कर लेते हैं. तो 5 प्लस 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और सेम डिनोमिनेटर 9, 8/9. ये हमारा हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन. ओके, अभी इसके बाद सेकंड है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 8/9 प्लस 7/12. ओके, तो यहां पे देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा दोनों का डिफरेंट है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट मींस ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन जब होंगे तो अनलाइक, अभी ये लाइक फ्रैक्शन था फर्स्ट वाला, अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो जब अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो आपको डिनोमिनेटर टेक करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि उसी डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ईच फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेम डिनोमिनेटर एज लाइक एलसीएम. तो यहाँ पे 9 and 12 का एलसीएम टेक कर लेते हैं. एलसीएम ऑफ 9 and 12 इज इक्वल टू 36, जैसा कि हमने यहाँ पे 9 and 12 का एलसीएम टेक करके रिप्रेजेंट कर लिया. 3 + 9 = 36 हो जाएगा आपका. ओके, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है 8/9. तो देखिएगा यहाँ पे 8/9 में 9 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 हो जाएगा, तभी होगा ना. और फिर इसलिए हमको जो है कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 × 4/9 × 4 प्लस 7/12 है, 12 × 3 = 36 होता है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 3 = 12. ओके, 8 × 4 = 32 अपॉन 9 × 4 = 36 प्लस 7 × 3 = 21 अपॉन 12 × 3 = 36. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में अब हमारा कन्वर्ट हो गया. जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं. 32 + 21 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना. यहाँ पे आप ये भी राइट कर सकते हो, इतना यहाँ पे 32 + 21/36 = आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 53. इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 53/36. अब इसको हम, जब हमारा ये कैसा है फ्रैक्शन है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपका डिनोमिनेटर लेस देन 2 होगा न्यूमरेटर से. ओके, तो 36 × 36 इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये 53 को 36 × 36 और यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा तो 13 × 13 = 7 यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे 4 × 4 = 3 जाएगा, तो ये हो गया 1 whole 17/36. ओके, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, 5/6 + 7/8 इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेना, मींस इनका सम फाइंड करना है. एलसीएम ऑफ 6 and 8 = 24. एलसीएम जैसा कि यहां पे हमने टेक करके रिप्रेजेंट भी कर दिया, 24 हो गया. अब हमको क्या करना है, ईच फ्रैक्शंस को क्या कन्वर्ट कर देना है, ईच फ्रैक्शंस को हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है एज डिनोमिनेटर 24. तो देखिएगा यहाँ पे 5 × 4/6 × 4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 था, 6 × 4 = 24 हो गया, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई प्लस, अब इसका 7/8 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 × 3 = 24,
तो ये हो गया 21/24। तो इनको प्लस करना है, तो आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 20+21 करेंगे तो 41 आ जाएगा अपॉन 24, डिनोमिनेटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि ये आपका आ गया 41/24। तो इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए 41 और डिवाइड कर देते हैं 24 से, 24 ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 11, 11 से 4 जाएगा तो 7, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 2 जाएगा 1। तो इसका 1 होल कितना आ जाएगा, 1/17/24, ठीक है ना, इतना इसका भी आ जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। 7/12 + 11/16 + 9/24। अब इसको भी हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, तो यहाँ पे एलसीएम हाफ 12 डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम हाफ 12, 16 and 24 = 48। यहाँ पे मैंने एलसीएम टेक कर रखा है, 2 + 4 + 8 = 24, 24 + 48 हो जाएगा, ओके। अभी 7/12 है तो डिनोमिनेटर 12, 4 = 48 तो 4, 4 = 72 प्लस 11/16 है तो 16, 3 = 48 तो 3, 3 = 72 प्लस 9/24 है तो 24, 2 = 48 होता है तो 2, 2 = 72। तो अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे 7, 4 = 28 / 12, 4 = 48 तो ये आपका 28/48 आ गया। 11 = 33/16 = 48 9 = 18/22 = 48 24 = 48 9 = 18/48 ओके। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं 7, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो हमको क्या कर लेना, न्यूमरेटर को ऐड कर लेना, 28, 33 and 18 को आप ऐड करेंगे तो 79 आएगा। ऐड करके आप चेक भी कर लीजिएगा, 79/48 हो जाएगा डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको क्या कर लेते हैं, ये भी आपका कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स आप देख सकते हैं न्यूमरेटर ग्रेटर है, स्मॉलर है आपका डिनोमिनेटर। तो हमको क्या कर देना है, 48 से डिवाइड कर देते हैं ये 79, वन टाइम आपका रहेगा तो ये 48 और ये 9 से 8 जाएगा 1, 7 से 4 जाएगा 3, 1 = 30, 1/48 हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका है फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। 3 whole 4/5 + 2 whole 3/10 + 1 whole 1/15 सॉल्यूशन। इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में जो है कि फ्रैक्शन है तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 19/5 + 23/10 ये देखिएगा 5 = 15, 15 + 4 = 19, 19/5 10 = 20, 20 + 3, 23/10 15 + 15 + 1 16, 16/15 ये आ गया ना। अब इसके बाद एलसीएम ऑफ 5, 10 and 15 ये डिनोमिनेटर इनका एलसीएम टेक कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 30, ओके। अब 30 के इक्वल सबका डिनोमिनेटर कर लेना है, तो ये देखिएगा ये 5 में 5 6 से 30, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका 30 होगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 3 30 होता है, तो 3 3 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 15 2 30 तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 19 6 114 / 5 6 30 23 3 69 / 10 30 याद है, 16 2 32 / 15 2 30। तो अब इसके बाद देखिएगा सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 114 + 69 + 30 सबको ऐड करेंगे 215 आएगा,
215 अपॉन 30। अब देखिएगा जब ये दोनों में अभी कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से आप जब डिवाइड कर देंगे तो इनके बिटवीन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, मींस इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो 215 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, 30 को भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, मींस इसको हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसके बाद ये 215 को 5 से डिवाइड करेंगे 43 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 43 अपॉन 6 हो गया। तो अब 6 से 43 को डिवाइड कर लेंगे तो देखिएगा 43 को 6 7 जा 42 यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर वाला, तो ये हो जाएगा 7 और 1 अपॉन 6। ओके, अब इसके बाद है 6 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। 8 होल 3 अपॉन 4 प्लस 10 होल 2 अपॉन 5। ओके, इसको भी हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंप्रॉपर फ्रैक्शन, सॉल्यूशन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4 8 जा 32 प्लस 3 35 अपॉन 4, 5 10 जा 50 प्लस 2 52 अपॉन 5, ये कन्वर्ट हो गया इंप्रॉपर। अब इसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर से क्या डिफरेंट है, तो हमको एलसीएम टेक करने भी नहीं है, 4 एंड 5 का एलसीएम टेक करेंगे 20 आ जाएगा, जो कि यहां पर मैंने कर दिया। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू 20। अब हमको क्या कर देना है, जो भी हमारे फ्रैक्शंस हैं ये 35 अपॉन 4 एंड 52 अपॉन 5 है, तो इनको हमको डिनोमिनेटर 5 डिनोमिनेटर 20 के केस में कन्वर्ट कर देना है के फॉर्म। तो 30 देखो 4 5 जा 20 और यहां पे होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 यहां पे देखिएगा 5 4 जा 20 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 52 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 ही हो जाएगा। ओके, तो 35 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 अपॉन 4 5 जा 20 प्लस 52 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 आएगा अपॉन 4 5 4 जा 20। तो अब 175 और 20 को हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब 175 प्लस 208 को ऐड करेंगे, ठीक, 175 एंड 208 को ऐड करेंगे 383 आ जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको आप 20 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 20 से 383 को 383 20 ये आपका यहाँ पे बचेगा 8 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक। और 29 जब 180 होता है पता 180 और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 3 बच गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 19 होल 3 अपॉन 20। ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ कंप्लीट हुआ। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।